नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुआ। त्रिमूर्ति के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ उपस्थित हैं आदित्य सिंह, इस तरफ उपस्थित हैं शारदा जायसवाल। आज हम आपको बताएंगे उस पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जो इन दिनों महानगर पालिका का चुनाव नजदीक है और किस प्रकार का माहौल है, उसकी हकीकत से वाकिफ कराने का प्रयत्न करेंगे। हम बताएंगे किस प्रकार से इन दिनों बहुजन विकास अघाड़ी बैकफुट पर है और कितने किस प्रकार से लोगों ने बहुजन विकास अघाड़ी का साथ छोड़ा है। ईडी की कार्रवाई, प्रशांत राउत पर कार्रवाई, और जो लगातार बहुजन विकास अघाड़ी से छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है, उसके विषय बताएंगे। और बताएंगे चुनावी समर आते आते किस प्रकार बहुजन विकास अघाड़ी बैकफुट से फ्रंट फुट पे आ जाती है। अभी के हालात जो भी हो, लेकिन किस तरह से बहुजन विकास अघाड़ी हालात को समझकर उस तरह से काम करती है, मैं आपको पिछले चुनाव से वाकिफ कराना चाहूंगी। जिस तरह से प्रदीप शर्मा ने माहौल बनाया हुआ था, जिस तरह से उन्होंने धाक जमाई हुई थी, उनका ही बोलबाला था, लेकिन आखिरी पड़ाव पर आकर बहुजन विकास अघाड़ी ने आखिरकार मैदान को फतेह कर ही लिया। अगर हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति में शिवसेना भी कम नहीं है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले ईडी की छापेमारी हुई थी, उसके बाद युवा नेता श्रेयस महात्रे ने जिस तरह बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगर सेवक प्रशांत राउत पर हमला बोल दिया, और वहीं कहीं ना कहीं बहुजन विकास अघाड़ी के कई पार्टी के कई नेता जैसे कि पंकज देशमुख ने पार्टी छोड़ा, इससे कहीं ना कहीं बहुजन विकास अघाड़ी पर काफी कुछ असर पड़ा है। असर तो पड़ा, लेकिन एक बात और स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं बहुजन विकास अघाड़ी जब भी असरदार हुई है, उसके मानसिक संतुलन पर असर पड़ा है। वो जब भी चुनाव नजदीक आया है, तो हितेंद्र ठाकुर ने स्वयं कमान संभाली और उन्होंने उस कमान संभालने के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने फ्रंट फुट पे बैटिंग की, वो हर बार चुनाव तो चलता है, ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन आते आते हितेंद्र ठाकुर अपना चौका छक्का लगाना शुरू करते हैं। उनका चाबुक चालू हो जाता है राजनीतिक, और उनका हंटर इस प्रकार से चलता है कि आने वाले समय में फिर वो विजय की तरफ बढ़ जाते हैं। राजनीतिक चाबुक यानी विधायक हितेंद्र ठाकुर, उन्हें बकायदा राजनीति की समझ है कि कब मैदान में उतरना है और कब अपना हंटर चलाना है। आपको जैसा मैंने पहले बताया कि प्रदीप शर्मा जब उतरे थे, उस समय उन्होंने सिर्फ तकरीबन दो दिन में उन्होंने मैदान को फतेह कर लिया, और उन्हें यहाँ पर जमीनी स्तर पर रहकर काम करने का तरीका भी बखूबी पता है। इतना सब कुछ तो ठीक था कि बहुजन विकास अघाड़ी पर शिवसेना द्वारा हमला बोला गया, लेकिन लोगों को इंतजार है अगर किसी विषय को लेकर, तो वो है विकास कार्य। बहुजन विकास अघाड़ी के हितेंद्र ठाकुर ने विकास कार्य को लेकर अभी तक कोई भी मीटिंग नहीं रखी है। लोगों को इंतजार है इस विषय को लेकर। अब देखना यह होगा कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में बहुजन विकास अघाड़ी किस तरह से अपनी जीत हासिल करती है। जीत हासिल कितना करती है या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि विकास के मुद्दे पर हितेंद्र ठाकुर अभी कुछ नहीं बोले हैं। कोरोना काल में जो काम हुआ था, उसको लेकर राजू पाटिल लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और उस पर ही तल्ख कर रहे हैं। बीते दिनों प्रवीणा ताई यानी प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर ने भी जिस प्रकार से अपने बयान दिए थे, लग रहा था कि अब राजनीतिक चुनावी समर तैयार हो चुका है। और विपक्ष पर वो भी नारियल फोड़ने, एकनाथ शिंदे द्वारा परिवहन सेवा के उद्घाटन वाले कार्यक्रम को वो चिन्हित कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं शिवसेना पर हमला होगा और बहुजन विकास अघाड़ी सभी दलों को कम टारगेट करेगी। हितेंद्र ठाकुर अभी फ्रंट पर नहीं आए, लेकिन विकास का एक ऐसा मुद्दा है जो इन दिनों जनता परेशान है। महानगर पालिका के पीछे यानी जो नगर सेवक रहे हैं, उन्होंने जिस तरह काम किया है, उससे जनता असंतुष्ट है, लेकिन किस प्रकार हितेंद्र ठाकुर इनका सामना करते हैं और फ्रंट पर आकर किस प्रकार चुनावी समर को में चुनावी मैदान में उतर कर वो ठीक से लड़ाई लड़ते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इन सब बातों पर सवाल ये है कि आने वाले समय में कब हितेंद्र ठाकुर का बयान आक्रामकता से आता है, जो बहुजन विकास अघाड़ी को छोड़ रहे हैं उनसे कितना प्रभाव पड़ता है, विकास के मुद्दे पर जनता कितना वोट करती है, और हितेंद्र ठाकुर का स्टाइल कब जमीन पर आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।